अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बड़े दिनों के बाद व्लॉग आया है। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हैं। एक्चुअली आप अगर इंस्टा पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक्चुअली हमारे घर में दो दो शादियाँ थी, एक मायके में थी और एक ससुराल में, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया था। फिर बहुत शॉर्ट नोटिस पे शादी का पता चला था, तो हमको शॉपिंग भी करनी थी, तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत गड़बड़ हो गई तो व्लॉग नहीं बना पाई। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए रील्स पे जो भी थोड़े बहुत रस्म होते हैं वो सब कुछ अपलोड किया है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हो। और आज मेरा ये लुक है, मैंने ये पहना है बिकॉज मेरे भाई की आ रही है न्यू बाइक। जी हाँ भैया, न्यू बाइक ले रहा है, उसका मतलब वो ड्रीम बाइक है उसकी, तो हम लोग वो आज मिलने वाली है। एक्चुअली लास्ट में तो उसका बर्थडे था, उसी दिन वो सेल्फ गिफ्ट करने वाला था अपने आप को, बट वो एक्चुअली कुछ कस्टमाइजेशन था तो वो हो नहीं पाया, तो आज फाइनली वो बाइक मिलने वाली है और हम जा रहे हैं वो बाइक लेने के लिए। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शेयर करूँगी और बाइक दिखाऊँगी और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब हमने ऐसी लाइफ गुजारी है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली का तो आपको पता है, फिर भी हम लोग अभी बड़े हो गए और हम लोग सेल्फ गिफ्ट कर सकते हैं अपने आप को। और मेरा भाई ने बहुत वेट किया है इस बाइक के लिए, तो चलिए देखते हैं। आप लोग दुआ में याद रखिए और हमारे साथ हमारे खुशियों में शामिल हो जाइए। चलिए, तो ज़ोया मैडम देखिए लास्ट मिनट में भी क्या कर रही है, क्या चल रहा है। लास्ट मिनट में भी उसके असाइनमेंट उसे भेजना है स्कूल में, तो बहुत सारे आते हैं अभी फिलहाल, तो जोर से बोलो, उनको सुनाई नहीं देगा। फिलहाल तो अभी मैंने दो भेज दिए, अभी और एक भेजना है, तो चलो जल्दी जल्दी भेजो और हमें फिर निकलना है फटाफट। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ चलिए। तो अभी मैं रेडी हूँ, तो क्यों और अभी हम निकल रहे और हम अभी जाते जाते मामू की बाइक लेके जाएंगे। एंड वी आर सो एक्साइटेड। मेरे एक्साइटमेंट तो देखिए, मेरे कपड़ों से ही आप लोगों को लग रहा रहेगा कितनी एक्साइटेड है बाइक लेने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं। ये है कोलगेट, क्या है माउथ, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपका माउथ क्लीन रहता है और स्मेल भी नहीं आती है मुंह से। ज़ोया को बहुत ज़रूरत है मामा। तो चलो मामा, तुम पूरी ब्लैक ब्लैक दिखाती। इसी के साथ एंट्री होती है मैडम जी की। एंट्री एग्जिट एग्जिट सॉरी, अबू का फोन अबू लेके गए होंगे शायद। अबू का फोन अबा लेके गए होंगे। लिफ्ट का बटन तो दबा दो। नहीं मैंने चेक की सब, कैसे जा रहे घर में चेक करने के लिए कि सब बन गया है। इनका कुछ नहीं हो सकता, लिफ्ट कपड़ा तो उठाए अभी हम। हेलो हाय करो, हाय करो ना, तुम जाते नीचे। इनको मुझ पर भरोसा नहीं है, ये सब चेक करना चाहते हैं, लाइट बंद है क्या, गैस बंद है क्या, गीजर बंद है क्या, खिड़कियां बंद है क्या। इनका कोई इलाज नहीं है। चलो अनु अबू का है, अबू को छोड़ के आ गए। मम्मा का आउटफिट, देखिए लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। अब मैंने फ्रिज में दूध के पैकेट्स रखे थे, वो लेना भूल गए, हम दो दिन के बाद आएंगे तो खराब हो जाएगा, तो वो लेना जरूरी है, तो फिर से चलते हैं घर। फाइनली सब कुछ ले लिया है और ये शोहर जी पठानी, क्या बात है, बाइक पे बैठोगे तो सूट करो करेगा। लो देखो यहाँ पे एक कार्टून है। चलो अब सब कुछ ले लिया ना, कुछ भूले नहीं ना, तो चलते हैं हम लोग।
अनु मोटी टूट जाएगा वो, टूट जाएगा। हाँ मैडम को फ्रंट सीट पर बिठा रहे, देखो ये फ्रंट सीट पर बैठती है और किसी को बैठने भी नहीं देती है। ये भी हमारे लिए भी खोलो, क्या है क्या लग, हाँ भूल है हमारे लिए लो गाड़ी का दरवाजा। क्या बात है, अच्छा चलो चलते। भैया को पूछो सीधा घर पे आने का है कि उधर बैठ जाने का है। अबू बताता हूं बहुत दूर है। हां बेटा 45 मिनट्स लगेगा आने को। 45 यस। साथ हम जो चले, मुझे याद आ नहीं है वो गाना, तुम कहा था यू ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, पर उस वरना कॉपीराइट आ जाएगा। गाने से कॉपीराइट नहीं आता बेटा, यूट्यूब पे थोड़ी सी भी चीज का वो हो गया ना तो पूरे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा। अगर किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मारा तो आएगा कॉपीराइट, क्योंकि गाने से नहीं हो रहा है। 30 ही ना ना तक पहुंचेगा, यूट्यूब से ही ऑलरेडी होता है। और 30 मैं तो वीडियो देख के दो चल जाएगा, ज्यादा बिजी शेड्यूल था, शादियां थी घर में, जिसमें होएगा 45 सो ज्यादा व्लॉग बनाएंगे बट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि किसी को पसंद होता है कैमरे में आना, किसी को नहीं पसंद होता है, इसलिए हमने सोचा कि झंझट ही नहीं ब्लॉग ही नहीं बनाएंगे, बस रील्स शूट किया हमने। आप लोग जरूर जाइए, हमारे रील्स सुपर डुपर हिट हुए हैं, बहुत वायरल हुए हैं, आप लोग जरूर देखिए इंस्टाग्राम पर। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे तो उस पर फॉलो कीजिए। और चलिए चलते हैं, ये है हमारा कोंडवा का क्या बोलते हैं इसको, फ्लाई ओवर, अभी अभी बना है, थोड़े एक साल हो गया होगा। पूरा गांव देखिए, मैं जोया के गोद में बैठी हूँ क्योंकि कार में जगह नहीं है, और सामने अब्बा बेटे है, तो चलिए चलता। देखो मेरा भैया कितना एक्साइटेड है, हम एट लास्ट पहुंच गए यहाँ पर। ये हमारी नहीं है, हमारी आ रही है बाइक भाभी, सब वेट कर रहे हैं बाइक का। हमारे बेटे की नई बाइक आ रही है मामा।
कैसा लग रहा है? उसकी ड्रीम बाइक है ना। पहली बारी गई ना बहुत ही था उसका गाड़ी कैसे लग रहा है न्यू बाइक आ रही तो मुझे क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, कुछ तो लग रहा रहेगा। तुमसे भी एज कर आपको कैसे लग रहा है भैया की बाइक आ रही है? एक्साइटेड? नाम भैया की गाड़ी अपनी क्या? नाम भैया, मास्क तो निकालो। गाड़ी भैया की लेकिन सब अपनी ये। हाँ मतलब आप चलाने वाले हो? हाँ सिर्फ नाम भैया का शान है आप बहुत। अनु अनु अबू को अनाया अनाया अबू को बोलो ये बाइक दिलाओ। बोलो अबू को ये बाइक दिलाओ। गिरे भी तो इस पे से कुछ नहीं होगा। अच्छा प्रोटेक्शन तो ये बाइक के लिए जैकेट होगी ना? अच्छी है ना, मस्त है, सही है। सही है। क्या प्राइस है इसका? 6950। बाप रे, वाओ सही है। लेकिन यार फुल प्रोटेक्शन है। ये कितने की है? 14950। 15000। हैवी भी देखो कितना है। फुल दिख ही रहा है, बहुत अच्छा है। 6 महीने इंतजार करें, आखिरी के 10 मिनट अभी इंतजार में हो रहे हैं। एकदम एक्साइटमेंट हो रहा, कब आती। इतने 5 मिनट में तो उसको 5 बार जाके पूछे बाबा का और कितना टाइम। सही में आखिरी का वक्त नहीं, बिल्कुल ऊपर था। भैया देखिए कैसा वेट कर रहा है। कब आती आ जा बाबा। देखिए कैसा वेट कर रहा है, कब आएगी यार। वही होता है, ज़्यादा लंबा समय है तो इंसान इंतज़ार करता है, कम समय बचता है ना तो नहीं होता। हम कब लेंगे? काम तो नहीं है, ये भी तो अपनी बाइक है, उसमें क्या लेने का, ज़बरदस्ती दो बाइक रखनी है। भैया देख क्या बोल रहे हैं, नाम भैया का है बाइक पे और हमारी छह बाइक। मैं तो बोला लेके जाओ।
हम लोग घर जा रहे हैं बाइक लेकर, भैया आ रहा है पीछे से पेट्रोल भरवा के बाइक में, और अब हम जा रहे हैं घर। बस आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोगों को कैसी लगी मेरे भाई की नई बाइक ज़रूर बताइए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।